चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो से आप हमारे साथ जुड़ सकें। आज हम चर्चा करेंगे मल्लमपट्टी क्लासिफिकेशन। मल्लमपट्टी क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम बोलते हैं हमें मल्लमपट्टी स्कोर, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसको देखते हैं हम। डिस्कवर्ड बाय इंडियन बॉर्न अमेरिकन एनेस्थेटोलॉजिस्ट, मतलब इंडिया के जन्मे हुए वैज्ञानिक थे, ये एनेस्थेटोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था शिष्यगिरी मल्लमपट्टी। इन्होंने ये डिस्कवर किया था अमेरिका के अंदर। इस मल्लमपट्टी क्लासिफिकेशन का यूज हम एनेस्थेसिया में लिया जाता है। इसको एंडोटेकियल इंट्यूबेशन में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। इज यूज टू प्रोटेक्ट टू इज ऑफ एंडोटेकियल इंट्यूबेशन, इसमें इसका यूज लिया जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम। द टेस्ट कंप्राइज टू विजुअल असेसमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टंग बेस ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ एंड देयर फॉर द अमाउंट ऑफ स्पेस इन विच देयर इज टू वर्क। मतलब मोस्टली इसमें क्या होता है कि इसमें ओरल कैविटी के अंदर देखा जाता है कि वल्वा दिखाई दे रहा है, प्लेट दिखाई दे रही है। उस तरीके से एनेस्थेसिया पेशेंट के इंट्यूबेशन किया जाता है। इसका नॉर्मल स्कोर होता है 3। ए हाई मल्लमपट्टी स्कोर 3 से 4 होता है, इज एसोसिएटेड विथ मोर डिफिकल्ट इंक्यूबेशन वेल एज हायर इंडिकेट ऑफ स्लिप एपनिया। मतलब मल्लमपट्टी स्कोर यदि 4 से ज़्यादा है ना, तो इसको ये इंडिकेट करता है पेशेंट स्लिप एपनिया में है। इसके आगे हम देखते हैं इसको। ये देखो, हम इस तरीके से इसको देखते हैं। इसमें हम देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन। इसको हम 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइडेशन करते हैं। पहला होता है विजुअलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट प्लेट फ्यूज्ड वल्वा एंड बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर। इसमें देखो, हम चित्र में ऐसे अच्छे से देखते हैं। इसमें देखो दोनों साइड का ये पिलर और वल्वा ये दिखाई दे रहा अच्छे से, तो इसको हम क्लास 1 में रखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा क्लास 2। क्लास 2 में देखते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड फोकस एंड वल्वा। इसमें क्या होता है कि अपना जो सॉफ्ट पैलेट होता है, ये ऊपर की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है पीछे की तरफ, और ये वल्वा, ये दोनों दिखाई देते हैं। इसको क्लास 2 में डिवाइडेशन करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं क्लास 3। क्लास 3 में देखते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड द बेस ऑफ वल्वा। इसमें देखो कि सॉफ्ट पैलेट दिखाई दे रही है और वल्वा बहुत कम दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्लास 3 में रखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं क्लास 4। क्लास 4 ये डिफ़िकल्ट होती है। इसमें सॉफ्ट पैलेट इज नॉट विजिबल एट ऑल, इसलिए पेशेंट क्रिटिकल में होता है और ये इसमें इंट्यूबेशन नहीं किया जा सकता।